हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि स्टार स्टडी। तो दोस्तों, आज हो गया 16 अगस्त 2020। तो दोस्तों, आज हम 16 अगस्त के सभी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल शशि स्टार स्टडी पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। देखो, अपना देश के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय देखो अपना देश एक समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने ओलंपिक में भारत भागीदारी शताब्दी मनाई है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेक्कन जिमखाना क्लब। दोस्तों, हाल ही में डेक्कन जिमखाना क्लब ने बार ओलंपिक में भागीदारी शताब्दी मनाई है। तो आए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, युवा मामले और खेल मंत्रालय कब से कब तक फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर पता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर 2020 तक। युवा मामले और खेल मंत्रालय 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। तो आए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रेट माले बुनियादी ढांचे परियोजना में लागू होने वाली अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। तो आए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स निम्न में से कौन जारी करता है। अगर आपको इसका आंसर पता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जारी करता है दोस्तों, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। तो आए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पीके मथुस्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत से जुड़े हुए थे। दोस्तों, ये संगीत से जुड़े हुए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने खोजे हरमल मिर्ची और मिलोंदी केले को जीआई टैग में शामिल किया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व हाथी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त को। दोस्तों, विश्ववादी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। YSR चेतुआ योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। अगर आपको इसका आंसर पता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश द्वारा ये योजना शुरू की गई दोस्तों। तो एक आज का क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक
अपतटीय गश्ती दो बहुत ओपीवी लॉन्च किया गया है, इसका नाम बताइए। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सार्थक। सही आंसर हो जाएगा बढ़ते तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती बहुत सार्थक लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एसएससी स्टार स्टडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इम्प्रेस करें। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एसएससी स्टार स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सभी पीडीएफ फाइल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।